नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीलम और पुखराज खरीदने में यदि आप महंगा रत्न खरीदते हो तो दो तीन समस्याएं हैं जो आम तौर पर ज़्यादातर ग्राहकों को आती हैं। जो आदमी ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो वह चीज़ भी चाहेगा कि उसको फाइन मिले, अच्छी मिले। तो दो तीन समस्याएं ऐसी हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा, जो नीलम पुखराज खरीद लेने के बाद व्यक्ति के मन में शंका बनती है और फिर रत्न को पहन लेने का मजा खराब हो जाता है। तो बहुत सटीक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, दो तीन पॉइंट आपको बताऊंगा, खासकर नीलम और पुखराज के विषय में। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दे दिया, आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रातःकाल सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ या हाथ की फोटो भेज करके ज्योतिष दिखा सकते हैं, रत्नों खरीदारी के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, नीलम और पुखराज खरीदने के बाद में जो मेजर प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली दिक्कत होती है कि आपके रत्न में स्क्रैच नहीं होना चाहिए। खासकर बाहर की तरफ आप नाखून चला करके, धूप में जा करके, टॉर्च लगा करके अपने रत्न को हर तरह से सिलेक्शन कर लें। यदि आप वास्तव में महंगा रत्न खरीदते हैं और उसमें बाद में आपको लगता है कि कोई स्क्रैच है, नाखून उसमें कहीं रुकता है चलाने के बाद, तो आदमी को बहुत दुख होता है, अंदर से दुखी होता है उसका मन। दोस्तों, दूसरा, उसको बाहर की तरफ से आपका स्टोन साफ है लेकिन अंदर से भी उसमें कोई बड़ा फॉल्ट नहीं होना चाहिए, दाग धब्बा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप 1 लाख या उसके आसपास का या उससे महंगा या कुछ सस्ता स्टोन खरीदते हैं तब, अगर उसमें, देखो, रत्न में रेशा होना उसकी फितरत है, रत्न में रेशा होना उसकी एक कुदरती गुण है उसका, उसमें हो सकता है। लेकिन यदि अंदर से टूटा हुआ है, बहुत लंबी स्क्रैच है, तो वह एक बड़ा दुर्गुण है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। दाग धब्बा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड कराइए और नो ट्रीटमेंट आपका रत्न हो। बस 3 बातों को आप देख लें, बाहर से स्क्रैच ना हो, अंदर से स्क्रैच ना हो, दाग धब्बा ना हो, और गवर्नमेंट लैब में जब आप उसको सर्टिफाइड कराएं, सर्टिफिकेट पहले ही ले लें खरीदने से करा लें, तो नो ट्रीटमेंट होना चाहिए, ग्लास मिक्स नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी 3-4 बातें हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कामना करता हूँ बहुत सटीक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी, आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे।